हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बात करेंगे 6 मार्च को होने वाली स्मैकडाउन लाइव के हाइलाइट्स प्रीव्यू के बारे में। गाइस, नेक्स्ट स्मैकडाउन होने वाली है एलिमिनेशन चैम्बर से पहले की लास्ट स्मैकडाउन, तो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। गाइस, कई लीजेंड का रिटर्न होने वाला है और इसके अलावा WWE नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए दो बड़े मैच कन्फर्म कर दिए हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्मैकडाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होगी और इसी के साथ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक बटन दबाकर। तो दोस्तों, सबसे पहले उस सेगमेंट की बात कर लेते हैं जो कि WWE ने कन्फर्म कर दिया। तो गाइस, वो होने वाला है मूवमेंट ऑफ ब्लिस, जिसकी होस्ट होंगी एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस। पर गाइस, इस बार हमें देखने को मिलेंगे पहली बार मूवमेंट ऑफ ब्लिस में मेल गेस्ट यानी कि NWO आने वाले हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। गाइस, NWO जल्दी होने वाले हैं हॉल ऑफ फेमर, क्योंकि वो इस बार के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए जा रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, सिर्फ हमें नॉर्मल सेगमेंट देखने को मिलता है या फिर WWE कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएगी, हमें NWO का कुछ इंटरेस्टिंग रोल कुछ एक्शन में देखने को मिलेंगे या नहीं, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। मैं गाइस, एक फीमेल डिवीजन की तरफ से मैच कन्फर्म हो चुका है जो कि होगा लेसी इवांस एंड नाओमी वर्सेज बेली एंड सासा बैंक्स के बीच में। दोस्तों, पिछले हफ्ते का रीमैच है और पिछले हफ्ते लेसी इवांस एंड नाओमी ने विक्ट्री हासिल की थी बेली एंड सासा बैंक्स के अगेंस्ट। पर नेक्स्ट स्मैकडाउन पर क्या होगा और गाइस, बेली की अब डायरेक्शन किस तरह से जाने वाली है, आगे रेसलमैन 36 में किसे फेस करेंगी बेली, इन सब चीजों का खुलासा होगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। वहीं दोस्तों, हमें एक और बड़ा मैच देखने को मिलेगा जो कि नेक्स्ट स्मैकडाउन पर सबसे बड़ा मैच होने वाला है, ये हमें काफ़ी लंबे टाइम तक देखने को मिलेगा। गाइस, ये है टैग टीम डिवीजन की तरफ से और हमें एक गॉन्टलेट मैच देखने को मिलेगा उन 6 टीमों के बीच में जो कि एलिमिनेशन चैम्बर पेपर ही के स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच में है। न्यू डे, उसोस, हैवी मशीनरी, लुचाओस पार्टी, मिजन मॉरिसन एंड रॉबर्ट वुड एंड डॉल्फ जिगलर, ये 6 टीमें कम्पीट करेंगी नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। और गाइस, जो भी इस मैच में जीतेगा वो एलिमिनेशन चैम्बर के होने वाले मैच में सबसे लास्ट में एंटर करेगा एलिमिनेशन चैम्बर में। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ही पता चलेगा कौन है वो खुशनसीब जिसके जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्मैकडाउन के बाद। वहीं गाइस, WWE ने एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट कन्फर्म किया। गाइस, होने वाला है फायरफ्लाई फनहाउस यानी कि ब्रे वाइट कुछ नया लाने वाले हैं। WWE टीज कर दिया, हमें कुछ नया स्पेशल देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर फायरफ्लाई फनहाउस पर। गाइस, वो क्या होगा, और जैसे कि गाइस आपको पता है रेसलमैनिया 36 में फिंड वर्सेस जॉन सीना का मैच होना है, तो फायरफ्लाई फनहाउस वाले ब्रे वाइट इसी मैच के लिए और हाइप और टीज करेंगे। पर दोस्तों, ब्रे वाइट क्या नया लाने वाले हैं अपने फायरफ्लाई फनहाउस में और वो जॉन सीना को किस तरह से चैलेंज करेंगे, ये सब देखना काफी एक्साइटेड है। वहीं गाइस, हमें मेन सेगमेंट देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। गाइस, होने वाला है रोमन रेंस का, हमें शायद गोल्डबर्ग ना देखने को मिले नेक्स्ट स्मैकडाउन पर, क्योंकि गाइस नेक्स्ट स्मैकडाउन WWE एलिमिनेशन चैम्बर पेपर ही के लिए खास बना रही है, तो हमें गोल्डबर्ग तो देखने को नहीं मिलेंगे। पर दोस्तों, हमें रोमन रेंस का एक तगड़ा प्रोमो कट देखने को मिल सकता है। गाइस, रोमन रेंस उन्हीं सब बातों को एड्रेस करेंगे जो कि गोल्डबर्ग ने द बंप के एपिसोड में कहीं रोमन रेंस का स्पेयर को घटिया बताया। रोमन रेंस इन्हीं सब बातों को रिस्पॉन्ड करेंगे और वो चैलेंज करेंगे गोल्डबर्ग को। पर दोस्तों, इस प्रोमो कट के दौरान हमें कोई सुपरस्टार इंटरप्ट करता हुआ दिख सकता है रोमन रेंस को और हमें मैच भी देखने को मिल सकता है रोमन रेंस का सुपरस्टार के अगेंस्ट। पर गाइस, यहां पर ये देखना होगा WWE ने गोल्डबर्ग रोमन रेंस के फीड के बारे में क्या सोचा है, WWE इसे और किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाएगी। WWE के मालिक विंस मैकमैन ने जरूर कुछ खास प्लान सोच रखे होंगे इस फीड के बारे में। तो गाइस, वो तो हमें एलिमिनेशन चैम्बर पेपर के बाद ही पता चलेगा, पर नेक्स्ट स्मैकडाउन पर रोमन रेंस का क्या होगा ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्मैकडाउन बिल्कुल कुछ ही घंटों में स्टार्ट होने वाली है, तो इसे बिल्कुल ही मिस मत करना। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना। और दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के स्पेयर में से किसी का स्पेयर बेहतर मानते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।